नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वाइट पेपर। मैं हूं कुलदीप डनसेना। दोस्तों, रूस पर यूक्रेन इन्वेजन के खिलाफ पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए हैवी सैंक्शंस के कारण इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इन पश्चिमी देशों ने रूस के लगभग आधे से ज़्यादा फॉरेन करेंसी एसेट को सीज कर दिया है। साथ ही इन देशों ने रूस को स्टैंडर्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म स्विफ्ट इससे भी बैन कर दिया है और रूस इन करेंसीज में बिजनेस नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन ये उठता है कि रशिया इस स्थिति का सामना कैसे कर रहा है। देखिए, रशिया के पास है एक मास्टर कार्ड, तेल यानी क्रूड ऑयल, जिसे रूस अब डॉलर या यूरो में नहीं बल्कि अपनी ही करेंसी रूबल में बेच रहा है। रूबल डोमेस्टिक करेंसी है रूस की, इसलिए वेस्टर्न सैंक्शंस का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए ये सेफेस्ट करेंसी है एक्सचेंज के लिए। वहीं भारत के साथ दोनों देशों के बीच रूपी रूबल मैकेनिज्म सेट हुआ है। 15 रशियन बैंक का एक ग्रुप भारतीय लेंडर्स के साथ बातचीत में है, जिससे कि US डॉलर को बाईपास करते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार को लोकल करेंसीज में किया जा सके। IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन ये दोनों देशों के बैंक्स के बीच इस नेगोसिएशन को फैसिलिटेट कर रहा है। एंड IETO मीन्स इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन लोकल कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है जो रशिया के साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं। एंड आई गेस ये स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि वो अपने बिजनेस को ग्लोबल फुटप्रिंट दे सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को रशिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रशिया में वेस्टर्न कंपनीज के एग्जिट के बाद एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है और भारतीय कंपनीज इस वैक्यूम को भरकर वहां अपने लिए जगह बना सकती हैं। दोनों देशों के बैंक रेगुलेटर भारत में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रशिया में CBR यानी सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया एक कस्टमाइज्ड कॉमन रेफरेंस एक्सचेंज रेट सेट करने पर विचार कर रहे हैं, जिसे डेली बेसिस में अनाउंस किया जाएगा और उसी एक्सचेंज रेट पर बिजनेस होगा। रशिया और भारत के बीच बायलैटरल ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए नेगोशिएशन में रशिया के 15 बैंक में से पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक, जेनिट बैंक, टेट्सोस बैंक, सेंट्रो बैंक, बैंक सुयोज, MTC बैंक, ये सारे बैंक शामिल हैं। वहीं भारत से बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक, ये सारे बैंक शामिल हैं। पर इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्ट्रॉन्ग डॉलर डिनोमिनेटेड बैलेंस शीट है, इसका रशिया के साथ वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करते हुए बायलैटरल ट्रेड में पार्टिसिपेट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस बैंक का अमेरिका एंड यूरोप में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एंड अपने स्ट्रॉन्ग डॉलर डिनोमिनेटेड फॉरेन एसेट को ये एक बैंक रिस्क में नहीं डालना चाहेगी। वेरस जो दूसरे स्मॉल एंड मिड साइज बैंक हैं, उनके लिए ये एक नया एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ है, जिनका डॉलर एक्सपोजर कम है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर दोनों देशों के बीच लोकल करेंसीज में ट्रेड कंडक्ट होता है तो रुपए की डिमांड बढ़ेगी, रुपया स्ट्रॉन्ग होगा। RBI ने हाल ही में 11 जुलाई को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रुपी में इनवॉइसिंग को मंजूरी दे दी है, जिससे रशिया और भारत के बीच बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट मिलेगा और वेस्टर्न सैंक्शंस के कारण रशिया, जो कि स्टैंडर्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म यानी स्विफ्ट से कटा हुआ है, इस सैंक्शन को बाईपास करने में उसे मदद मिलेगी। देखिए, इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करने के लिए रशियन बैंक को इंडियन बैंक में वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा और रशियन बैंक जो इंडियन बैंक में वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेगी, उनको इसके ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। देखिए, वॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पिछले महीने से काफ़ी चर्चा में है ये। यदि कोई विदेशी बैंक भारतीय बैंक में भारतीय रुपये अकाउंट खोलती है तो उसे वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं एंड इसी अकाउंट के थ्रू ये बायलैटरल ट्रेड कंडक्ट हो सकेगा। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।